नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। मुझे पता है अपनी औकात, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा। दिल्ली में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को अपनी औकात नहीं भूलना चाहिए। मैं छोटा आदमी हूं, मुझे अपनी औकात पता है। मैं और मेरे साथी दिल्ली की जनता के लिए 24 घंटे काम करेंगे। उन्होंने अपने सहयोगियों और कार्यकर्ताओं को नसीहत देते हुए कहा कि अहंकार बिल्कुल भी न करें। अहंकार के कारण ही भाजपा और कांग्रेस की विधानसभा चुनाव में करारी हार हुई है। उन्होंने कहा कि वे सरकार चलाने के लिए किरण बेदी और अजय माकन के अनुभवों का लाभ भी लेंगे। केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया, गोपाल राय, सत्येंद्र जैन, जितेंद्र सिंह तोमर, संदीप कुमार और असीम अहमद ने मंत्री पद की शपथ ली। दल से बड़ा होता है देश, नरेंद्र मोदी ने कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दल से बड़ा देश होता है और सत्ता में बैठे लोगों की जिम्मेदारी ज्यादा होती है। शनिवार को बारामती में कृषि विज्ञान केंद्र की इमारत का उद्घाटन करते हुए मोदी ने कहा कि विवाद और संवाद से ही लोकतंत्र आगे बढ़ता है। लोकतंत्र में विकास के लिए विमर्श जरूरी है। इस अवसर पर NCP के मुखिया और पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार भी मंच पर मौजूद थे। विश्व कप मुकाबले में रविवार को भारत की पाकिस्तान से टक्कर। विश्व कप मुकाबले में रविवार को परंपरागत प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्तान टकराएंगे। दोनों ही देशों के क्रिकेट प्रेमियों को इस मैच का बेसब्री से इंतजार है। इस मुकाबले का रोमांच फाइनल से कम नहीं होगा। भारत के पक्ष में सबसे बड़ी बात यह है कि विश्व कप में पाकिस्तान के साथ अब तक खेले गए सभी मैचों में उसे जीत मिली है। न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 98 रनों से हराया। विश्व कप के पहले मैच में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 98 रन से हराकर अपने विश्व कप अभियान की सफल शुरुआत की है। न्यूजीलैंड ने टॉस हारकर पहले खेलते हुए 50 ओवरों में 6 विकेट पर 331 रनों का विशाल स्कोर बनाया। जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 46.1 ओवर में 233 रन बनाकर आउट हो गई। कोरी एंडरसन को उनके ऑलराउंड प्रदर्शन की बदौलत मैन ऑफ द मैच चुना गया। एंडरसन ने 75 रनों की पारी खेलने के अलावा 2 विकेट भी लिए। श्रीलंका के लिए सलामी बल्लेबाज थिरीमाने ने सर्वाधिक 65 रन बनाए। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।